Hi there guys, today I'm going to tell you how to add before and after image slider comparison. Let's move forward. First of all, we have to add a plugin which name is ठीक है जी। इसके अंदर बिफोर आफ्टर के अंदर एक इमेज ऐड करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहें। आगे बढ़ते दोस्तों, बिफोर पे बिफोर वाले की इमेज ऐड करते हैं हम। मैंने दो इमेजेस रखी हैं इंटरनेट से यूज़ करने के लिए, कट कर ली थी इमेजेस दोनों एक साथ थी। बिफोर पे मैंने ये वाली इमेज रखी, ठीक है। और आपको अगर इमेजेस देखनी हो तो फ्री पिक से मिल जाएंगी, बहुत सारी जो फ्री इमेजेस की साइट है वहाँ से मिल जाएंगी बिफोर आफ्टर कंपैरिजन के नाम से। और आफ्टर के अंदर यहाँ से इमेज रख ली हमने, ठीक है जी। इसमें ऑल टेक्स्ट डालना है, यहाँ जहाँ प्रो लिखा है वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होंगे, बाकी सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन डालनी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाल लिया और फ्री के अंदर एक ही ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। यहाँ इसके अंदर दो आ रहे हैं, बाकी सब पेड के ऑप्शन है, ठीक है जी। मैंने इसको पब्लिश किया, इसके अंदर आप कैटेगरी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो पब्लिश करने के बाद इसको ऑल पे क्लिक करता हूँ, ये शॉर्ट कोड दे रहा है, ठीक है। इसकी कैटेगरी बनाई हुई तो कैटेगरी के अंदर वो कैटेगरी आ जाती, ठीक है। यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे, जैसे पोस्ट को कैटेगरी असाइन करते हैं वो कर देंगे हम। सेटिंग्स में प्री लोडर एनेबल करना है, जी करना है, ठीक है। जो फ्री वाला ऑप्शन है वो देख लेते हैं हम। इमेज के ऊपर कोई इसके अंदर कोई वाटर मार्क चाहिए तो वो वाटर मार्क प्रो, ये सारी प्रो के अंदर ऑप्शन अवेलेबल, ठीक है जी। शॉर्ट कोड इसका ये इस तरह का शॉर्ट कोड है। अगर आप बिफोर आफ्टर फ्रंट एंड यूजर देखना चाहते हैं विदाउट लॉगिन तो ये ऐसे देख सकते हैं ये शॉर्ट कोड प्रीव्यू करके। मैं अपने शॉर्ट कोड की तरफ आता हूँ, ठीक है। बता दिया बिफोर आफ्टर, इसमें मिडिल इमेज भी होती है, उसमें प्रो प्रो वाले के अंदर शायद अवेलेबल है वो। मैं गया पेज पे आया अपने में, ठीक है जी। कोई भी पेज एडिट कर लेते हम, टेस्ट पेज ले लेते, ठीक है जी। टेस्ट लिखा मैंने, बिल्डर पे आया और यहाँ पे लिख दिया मैंने टेक्स्ट ब्लॉक लिख दिया या एचटीएमएल ब्लॉक ले लें जो आपको सही लगता है। शॉर्ट कोड यहाँ रखा मैंने और सेव कर दिया और अब पब्लिश कर दिया, ठीक है जी। अब देखते हैं हमारा व्यू कैसा आता है। ये देखिए दोस्तों, बेहतरीन हो गया, बिफोर एंड आफ्टर वाला सीन जो आपको मैंने बताया था वो हो गया इसके अंदर, ठीक है। होवर करेंगे तो इस तरह भी आ जाएगा और इसके अंदर दूसरे ऑप्शंस जो हैं वो ये थे, आपको दिखा देता हूँ मैं। दूसरा ऑप्शन आपका क्या था, इसको अगर एडिट करते हैं तो ये वाला ऑप्शन भी था लेआउट का हमारे पास। रिफ्रेश किया इसको मैंने तो ये कुछ सही नहीं लग रहा, मजे का नहीं लग रहा है। इमेज छोटी बड़ी है इस वजह से बुरा लग रहा है, इमेज का साइज इक्वल होता तो सही रहता। और गैलरी जनरेटर के अंदर कोई गैलरी टाइप की चीज ही बन जाती है, ठीक है। वो ज़्यादातर पेड ऑप्शन है इसमें, ये टू कॉलम गैलरी इस तरह। ये आप यहाँ से आप शॉर्ट कोड जनरेट कर सकते हैं गैलरी बनाने के लिए, ठीक है। ऑल कैटेगरी हर चीज़ की वो एक कॉलम में कैटेगरी बन जाएगी, चार कॉलम तक अलाउ है इसमें। अगर पेड प्लगइन होता तो फिल्टर गैडली भी बन जाती, ऊपर फिल्टर आ रहा है यहाँ सारे फिल्टर ऐड कर देते आप कैटेगरी के। और डॉक्यूमेंटेशन में है तो डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं इसकी आप। ये रही फ्री वर्जन के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन है और प्रो वर्जन के लिए डॉक्यूमेंटेशन है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो में कमेंट में बताइए कैसे लगी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।